ये है जियोनी बडी, इसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया है, बट मुझे कुछ कमेंट्स आए कि इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को मैं बताऊं। तो आज हम लोग जानेंगे इसको कैसे यूज करना है और किस तरीके से फ़ोन को इससे कनेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस तरीके का वीडियो नए नए लेके आता रहता हूँ। तो गाइज हम लोग देख सकते हैं ये है जियोनी बडी और ये है इसका डॉक। तो हम लोग को इसको ऑन करने के लिए फर्स्ट टाइम इसको चार्ज में लगाना होता है। तो चलिए इसको सबसे पहले चार्ज में लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं। तो इसको डॉक पे ऐसे करके रख लेना है, तो ये ऑन हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि अपने स्मार्टफोन में आकर प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जियोनी जी वडी। इस तरीके का आपको एप्लीकेशन दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है अभी, तो चलिए इस ऐप को हम लोग ओपन कर लेंगे। यूज नाउ, एग्री, कंफर्म रहा है जियोनी स्मार्ट वॉच, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग टच करके कनेक्ट पेयरिंग करेंगे, तो ये अभी पेयरिंग हो रहा है। और हम लोग वापस जाएंगे इस एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे भी हम लोग को जियोनी स्मार्ट वॉच देखने को मिलता है। तो ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे करना क्या है कि यूज़र को अपना डिटेल कुछ देना है, तो जैसे कि मेल सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे अपना हाइट डाल सकते हैं और यहाँ पे स्पोर्ट टारगेट है, आप कितना चल सकते हैं या आप कितना सोते हैं, इस तरीके का आप अपने यहाँ पे मेंशन कर लेंगे आप अपने हिसाब से, और इसको नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को अलाउ करना है। अब ये बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं वापस इस जियोनी वॉच पे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़ोन में आपके व्हाट्सएप पे किसी कोई नोटिफिकेशन हो या फेसबुक पर कोई नोटिफिकेशन हो, तो वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको आप लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको पावर सेविंग में मोड मिल जाता है इनेबल करने का। यहाँ पे DND एक्टिवेट कर सकते हैं आप और इसको राइट साइड से स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे बहुत से फंक्शन, जैसे कि स्पोर्ट मोड में आप डाल सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप वॉकिंग कर रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं आपको कितना रनिंग वॉकिंग करना है। देखिए ये स्टार्ट हो गया, तो चलिए इसको मैं अभी फ़िलहाल वापस ले लेता हूँ। वापस आने के लिए आपको इस बटन को देर तक प्रेस करना होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को स्पोर्ट मोड मिलता है, हार्ट रेट मोड मिल जाता है और यहाँ पे हम लोग को अलार्म देखने को मिलता है, यहाँ पे रिलैक्स देखने का आप लोगों को मिल रहा होगा, यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है। आप अपने फ़ोन पे कोई म्यूजिक प्ले किए हुए हैं तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइमर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट रिकॉर्ड देखने को मिलता है कि आपने दिन भर में क्या क्या किए, और यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग एक और सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को डायल देखने को मिलता है, तो इस डायल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जिस वाला डायल पसंद है उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ये सेव हो गया है। वापस हम लोग सेटिंग में आते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है ब्राइटनेस ज़्यादा करने का, कम करने का, है ना। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ शॉर्ट की मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोड ऑन करने का है वॉकिंग बाइक इस तरीके से। तो चलिए इससे भी हम लोग पीछे चलेंगे और नीचे में और भी हम लोग को अबाउट मिलता है, यहाँ पे हम लोग को कुछ देखने को मिलता है, तो ये इसका वर्जन है। यहाँ पे हम लोगों को शट डाउन का ऑप्शन मिलता है, अपने डिवाइस को ऑफ कर सकते हैं। कंफर्म करना है यस कीजिए, नहीं करना है नो कीजिए। तो चलिए मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।